दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। एनएससी के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राव द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी तथा माननीय केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री के लिए एक लेटर रिलीज किया गया और इस लेटर में काफी बड़ा निवेदन किया गया है। दोस्तों इसी लेटर के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। उसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए। दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी और ये लेटर रिलीज किया गया है 18 मार्च को। यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है प्रति माननीय अध्यक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफओ तथा माननीय केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली विषय ईपीएस 95 के पेंशनर्स की मांगे मंजूर करने हेतु। नीचे की तरफ लिखा हुआ आदरणीय महोदय, हमारे संगठन ने ईपीएस 95 के पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करने हेतु पिछले 2 सालों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई आंदोलन किए, जिसमें दिनांक 4/12/2017 से दिनांक 7/12/2017, दिनांक 4/12/2018 से दिनांक 7/12/2018 के दिल्ली आंदोलन व दिनांक 27/2/2019 को जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय पर मोर्चा भी शामिल है। आपके साथ कई बैठक होने के बाद में भी आपके द्वारा दिए गए आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए, इस कारण ईपीएस 95 पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है। रोष को प्रकट करने हेतु बुलडाणा महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दिनांक 24/12/2018 से व भिंड मध्य प्रदेश में दिनांक 15/1/2019 से आज तक भूख हड़ताल जारी है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दिनांक 21/2/2019 के सीबीटी मीटिंग में मिनिमम पेंशन को 3,000 रूपए करने की सिफारिशें की गई है। आपसे निवेदन है सीबीटी की बैठक बिना विलम्ब के शीघ्र बुलाकर मिनिमम पेंशन को 7,500 रूपए किया जाए, साथ में महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी जाए। यदि महंगाई भत्ते को जोड़ने में कुछ तांत्रिक बाधाएं आती हैं तो महंगाई भत्ते की राशि को मिनिमम पेंशन में समावेश कर पेंशन राशि घोषित की जाए। ईपीएफओ के दिनांक 31/5/2017 के अंतरिम पत्र को जिसके लिए सीबीटी की व श्रम मंत्रालय की किसी प्रकार की मंजूरी नहीं ली गई है तुरंत वापस लिया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशनर को तथा उनके पत्नी पति को मुफ्त वैद्यकीय सुविधाएं दी जाएं। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है उन्हें इसका सदस्य बनाकर पेंशन योजना में लाया जाए, अन्यथा 5,000 रूपए की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। आपको पता ही है कि सीबीटी पेंशन के विषय में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है और आचार संहिता का इससे कोई भी संबंध नहीं है। साथ ही यह सभी मांगे ईपीएफओ के पेंशन फंड में से ही पूरी की जा सकती हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्रवाई कर हमें कृतज्ञ करें, धन्यवाद। आपका कृपा अभिलाषी कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिलिपि सविनय सादर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली माननीय सभी सीबीटी सदस्य माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भविष्य निर्वाह निधि भिकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली। तो दोस्तों यहां पर माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने बहुत ही अच्छा निवेदन किया। उन्होंने साफ किया कि सीबीटी पेंशन के विषय में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है और आचार संहिता का इससे कोई भी संबंध नहीं है। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लगता है, क्या सीबीटी की मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशनर्स के ऊपर कोई बड़ा फैसला आएगा या फिर नहीं आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन कितनी होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।